हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ टॉप गैजेट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा जो आपके गेमिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे गैजेट्स हैं और आपकी इससे गेमिंग थोड़ी इम्प्रूव भी होगी और अपन टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ये प्रोडक्ट है, ये जो मैंने मेरे पास पहले से ही था, मैं इसको पहले से मतलब मैंने 1-2 महीने पहले लिया था इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे से ये बटन मिलते हैं 4, सब अपने ये काम करते हैं। और यहाँ पे अपने ये 2 गैजेट्स हैं। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, तो अपन 2 गैजेट को साइड रखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे लास्ट मतलब एक आपको बहुत अच्छा मैकेनिज्म टाइप का मिलता है और अच्छे से आप अपना मोबाइल रखते हैं। और यहाँ पे आपको रबड़ पैडिंग मिलती है और इस साइड भी आपको रबड़ पैडिंग मिलती है दोनों साइड। तो मैंने इसको 250 के अराउंड इसको मैंने परचेस किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें एक और सेम मॉडल आता है, इसके पीछे फैन लगा हुआ आता है, तो वो भी बहुत अच्छा गैजेट था। और ये अपना, चलो अपन इसको टेस्ट भी करेंगे और अपन सब गैजेट्स को टेस्ट करके देखेंगे। चलो अपन इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको सेट कर लिया है अच्छे से और ज़्यादा सेट करने की कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इनको ऐसे ऊपर करना है और फिर इनके नीचे लगा कर अपन को सेट कर देना है। जो फ्री फायर खेलते हैं उनको पता ही होगा सेट कैसे करते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने, मैं पहले तो ये देख सकते हैं आप, तो हमारे इससे अपना ये फायरिंग होगा। मैं देखा आपको अच्छे से दिख रहा होगा और रुकिए 2 मिनट, और इससे अपना जंप बंदा जंप करेगा और इससे अपना इसको फूकना ऐसा। बस एक दिक्कत आ रही है कि इसमें ये ना अपनी मैडी ये वाला वर्क नहीं कर रहा अपना, ये वाला बस ये वाला दिक्कत दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो 3 तो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ऐसे कि आप ऐसे कर सकते हैं। आप मैं आपको दिखा दूँ कैसे वर्क हो रहा है, तो रुकिए 2 मिनट। तो ये देखते हैं, बहुत स्मूथ है और मेरे को 250 का बड़ा था, 250 के राउंड ही ज़्यादा भी नहीं है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आज सारे गैजेट गेमिंग के रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर। तो चलिए अपने नेक्स्ट गैजेट पे चलते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट गैजेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने जितने भी गेमर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होगी कि उनका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करता होगा। तो मैंने एक गैजेट मंगवाया जिसको मतलब कि फ़ैन बोलते हैं, कूलिंग फ़ैन बोलते हैं, तो अपने मोबाइल के पीछे लग जाता है और वो अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से कूल रखता है और गर्म नहीं होने देता। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसको अपने 450 अराउंड मंगवाया है और ये आपको सस्ता मिल जाता है, महंगा मिल जाता है, पर मैंने इसको मिडिल रेंज में मंगवाया। तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे मतलब मिडिल रेंज वाला क्वालिटी कैसी होगी। और मेरे को ये अराउंड 450 का पड़ा था, देख सकते हैं अपने पैकेज के अंदर ये मिलता है और पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा सही मिलती है। और पहले मेरे को ऐसा लगा था कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा पैकेट था, मैंने जैसे आपको दिखाया भेजा है सही है। पैकेजिंग तो अच्छी करनी चाहिए। और यहाँ पे अपने चाइनीज कंपनी है, आप देख सकते हैं मोबाइल 4 रेडिएटर और यहाँ पे इसकी इमेज बनाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे तो उसने इतना सबको लगा रखा था, पर पैकेजिंग काफ़ी बेकार सी है। और अपन उसको अनबॉक्स कर लेंगे, देख सकते हो बस हमको पैकेट के अंदर अपने ये मिलता है और पैकेट अपने पूरा खाली है। तो अपन साइड रखते हैं और यहाँ पे अपन को यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे हमको यहाँ पे इसके सिलिकॉन यहाँ पे होल्डर टाइप मिलते हैं जो अपने से वैक्यूम में जाते हैं मोबाइल पे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने ऐसे वैक्यूम हो जाते हैं और यहाँ पे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि ये निकलते नहीं हैं। और अपने आप पहले सब इनको हटा लेते हैं। यहाँ पे फ़ैन भी लगा है अंदर एक, आप देख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लगा लेंगे और अपन इसको हटा देते हैं, अपने तार अपने ओपन कर लेते हैं। तार की मेरे को क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी लगी, आप इसकी लेंथ देख लेते कितनी है। तो मेरे को उसकी लेंथ डिसेंट लगी, ज़्यादा सही भी नहीं है क्योंकि अपन को थोड़ा लंबा देना चाहिए था इन लोगों को, पर सही है।
इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। तो अपन अपने इसको प्लग इन करते हैं, तो मैं आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लग इन कर दिया और आपको एक थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी इसमें से, और इसमें से बहुत ठंडी हवा भी आ रही है। और यहाँ पे इसका एक होल्डर मिलता है जो आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर आपका बाय चांस आप मोबाइल अपने स्टैंड पे लगाना, तो आप ऐसे करके अपने मोबाइल ऐसे स्टैंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अपना मोबाइल स्टैंड हो जाएगा। तो मेरे को सही लगा और अपना मोबाइल मेरे को ठंडा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। अपना अपना मोबाइल खोल लेंगे। और गाइस इसको लगाने सबसे अच्छे अपने परफॉर्मेंस पे अपना असर पड़ता है, परफॉर्मेंस अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और आपको अगर आप गेमर है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ, जैसे अपनी अपना फ्रिज में से हवा आती है ना, बिल्कुल वैसी हवा आ रही है। और आप देख सकते हैं, सॉरी आपको गलत वो आ रहा हो, तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है। और मेरे को तो ये भी गैजेट बहुत अच्छा लगा, पर इसमें एक और आता है जो लाइट वाला आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और एक चार्जिंग वाला भी आता है, चार्जेबल होता है जो, उसको चार्ज कर लो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको चार्जेबल वाला भी दिखा दूंगा बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो का, मैं कॉमेंट आते हैं तो मैं आपको चार्जेबल वाला दिखा दूंगा। और उसके अंदर आपको लाइट मिलती है, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, वो अराउंड 1.5 से 2 हज़ार के बीच में आता है, तो वो उसको भी अनबॉक्सिंग कर दूंगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट चलते हैं, उसमें तो सही है, ये बहुत ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा हो गया, बहुत सही में ठंडा हो गया। अपना फ्रिज में रखते ना वैसा ठंडा हो गया मोबाइल। तो ये गैजेट तो आप बिल्कुल परचेज करें, बेस्ट गैजेट है इन द वर्ल्ड, बेस्ट गैजेट गेमिंग के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट चलते हैं, और बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपना मुँह, तो चिपकन भी इसकी बहुत ज़्यादा सही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट गैजेट पर चलते हैं। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट अपना गेमिंग ईयरफोन है, जो अपन को अंडर 500 मिल जाता है, आप पता डील में मिला है। वैसे तो इसकी प्राइस 650 है, पर गाइस ये इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे लगे थे मेरे को कि मतलब मैंने बस जैसे इसके रिव्यूज़ पढ़े वैसे इसको बाय कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। और RPM करके कोई कंपनी है, तो मैं इसको अनबॉक्स कर लेते। पैकिंग भी बहुत बेकार दी इन लोगों ने, तो इस साइड मेरा बिल है तो मैं ब्लर मार दूंगा, पैकिंग भी बहुत बेकार है। चलिए अपन इसको अनबॉक्स कर ही लेते हैं। आप देख सकते हैं आप अपने गेमिंग ईयरफोन आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगी मेरे को। और यहाँ पे भी सील है, तो सील को ग्रीन कर लेते हैं। तो अपन अपने सील को बैठा लेंगे, तो अपन आप उसको ओपन करेंगे। आपको हमें बॉक्स को दिखाना रह गया, RPM Aura Gaming है, और गेमिंग ईयरफोन जस्ट प्लग एंड प्ले है। यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, और इसके अंदर अपन को माइक मिलता है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो इसको अपन अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं ज़्यादा चाहता नहीं कि आपको लंबी वीडियो मिले, और यहाँ पे अपन को बॉक्स के अंदर बस यही मिलता है, तो बॉक्स अपन साइड रखते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमको इसका मैनुअल मिलता है, और मैनुअल चाइनीज और इंग्लिश में मिलता है, तो मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं, मैनुअल को साइड रखते हैं। और यहाँ पे अपन को इसके अंदर एक, अगर आप PC प्लेयर हैं, आप लैपटॉप से या किसी भी चीज़ से खेलते हैं, तो यहाँ पे अपन को 2 प्लग मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको इसके अंदर डालना, फिर ये एक माइक का है और एक अपने हेडफोन का है। तो या तो ज़्यादातर तो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि जो PC वगैरह खेलते हैं, उनके काम आएगा, तो इसको साइड रखते हैं। और यहाँ अपन को एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी अपन साइड रखते हैं। और यहाँ पे अपन को अपना माइक मिलता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ लगेगा। और माइक की क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर माइक मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अपनी ईयरफोन मिलती है, यहाँ पे अपनी ईयरफोन आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी है पर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको आपको अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ पे अपन को इसका यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको प्ले एंड पॉज का और अपनी वॉल्यूम कम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। और अपन इसको, वो वायर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अपनी वायर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा सही है, वो देख सकते हैं, बहुत लंबी वायर मिलती है तो सही है। पर मेरे को पर्सनली छोटी वायर ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि बड़ी वायर में बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो सही है इसकी वायर की क्वालिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना यहाँ जो माइक है वो इधर लगेगा, और अपन कुछ तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी रेडी हो गई, और मैं इसको अच्छे से लगा लिया है। और
यहाँ पे देख सकते हैं इसके यहाँ पे लोगो है। तो मैं इसका आपका साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको साउंड टेस्ट तो नहीं दिखा पाऊँगा इसका, पर मैं आपको पर्सनली बता दूँ तो मेरे मेरे पास ही पहले से ही है। मेरा ग्रीन कलर में है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसको पहले भी यूज़ किया, पर मैंने अपने छोटे भाई के लिए मंगवाया। और पर्सनली मेरे को इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो फुटस्टेप्स बहुत अच्छे हर जगह से। अगर बंदा राइट से आए तो राइट से फुटस्टेप्स आएंगे, अगर बंदा लेफ्ट से आए तो लेफ्ट आएंगे। आपको मोबाइल पे तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या क्या इसकी वॉल्यूम है, क्या साउंड है, पर आप पर्सनली जब इसको खरीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरा तो मानना यही है कि आप इसको ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि इससे अच्छी आपको वॉइस इस प्राइस रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगी गेमिंग के हिसाब से। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखते हैं, और मैं आपको साउंड टेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको मोबाइल पे ले तो समझ नहीं आएगा इसका साउंड टेस्ट, गेमिंग ही करूँगा। और वॉइस तो इस वॉइस का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको बस गेमिंग करनी है। और इसका माइक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को, दिखने में बहुत डिसेंट सा है पर क्वालिटी माइक की बहुत ज़्यादा सही है। तो हम देख सकते हैं माइक की लेंथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, अपने आप आप अपने कान में लगा के माइक को ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं बस आपसे होप करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपने सारे प्रोडक्ट ले आते हैं, तो यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगे। और अपना ये तो बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको तो ज़रूर परचेज़ करना, आप किसी को करें ना करें। और मैंने आपको सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जो ज़्यादातर ज़रूरत है। और यहाँ पे अपन को यहाँ पे देख सकते हैं अपन को गोल्डन प्लेटिंग मिलती है यहाँ पे, और अपन को यहाँ पे अपने ये कहाँ गया, अपन के यहाँ पे माइक पे भी अपन को गोल्डन प्लेटिंग मिलती है। जो गोल्डन प्लेटिंग होती है उसमें वॉइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, और गोल्डन प्लेटिंग के बहुत ईयरफोन वैसे भी एक्सपेंसिव आते हैं। तो बस मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, और मेरी माने तो आप सारे खरीद सकते हो क्योंकि सारे अंडर 500 हैं और बहुत ज़्यादा सही प्रोडक्ट लगे मेरे को। तो मैं आपसे होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Close doors, I'm a fool for your love.